हेलो दोस्तों, आज आ चुके हैं और एक व्हाट्सएप के वीडियो में। आप देख रहे हैं प्रेमली टेक चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि दोस्तों, आप अगर दो मोबाइल यूज कर रहे हैं और उसी सेम टाइम में आप दोनों ही मोबाइल में सेम व्हाट्सएप को चालू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम मेरा भी दो मोबाइल है तो उसी प्रॉब्लम मैं भी सिचुएशन को फेस कर रही हूँ, इसीलिए मैं इस प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपका भी ये प्रॉब्लम ना आ सके। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर सारे का सारे चार्ज, और दोस्तों देख सकते हो इस मोबाइल में मेरा नया मोबाइल है जहाँ पर मेरा चार्ज कंटिन्यू नहीं है। तो इस वीडियो में मैं इस मोबाइल के जो व्हाट्सअप है इस मोबाइल में लाना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कैसे लाए दिखाते हैं आपको। तो पहले हमें अपना नए मोबाइल में, तो यहाँ व्हाट्सअप नहीं होगा तो व्हाट्सअप को एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाकर पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो इस तरह का पेज कुछ आएगा, उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू। राइट साइड के टॉप में थ्री डॉट्स होगा, उसे चूज करोगे। उसे चूज करने के बाद आपको दो स्टेप्स आएगा, जहां पर लिंक है कंपनी एंड डिवाइस उसे चूज करोगे। उसे चूज करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हो आपको एक QR कोड आ रहा है, तो आपका जो पिछले मोबाइल है जो कि ओल्ड मोबाइल हो उसकी और जिसमें आपको व्हाट्सअप कंटिन्यू है ऑलरेडी, उस चार्ज को इस मोबाइल में लाना चाहते हो तो उस मोबाइल में कुछ सेटिंग करना होगा। राइट साइड के टॉप में थ्री डॉट्स होगा, उसे चूज करना होगा। लिंक डिवाइस नाम का ऑप्शन होगा, उसे चूज करोगे। इस तरह का पेज कुछ आएगा दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर लिंक के डिवाइस करने के बाद, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ओल्ड मोबाइल से न्यू मोबाइल को स्कैन करना होगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर मेरा नया मोबाइल में ऑलरेडी प्रीवियस मोबाइल में जो चार्ज था वो व्हाट्सअप कंटिन्यू मेरा नया मोबाइल में भी हो चुका है। यहाँ इस मोबाइल में मैं उसी चार्ज को कंटिन्यू की हूँ और इस मोबाइल में भी देख सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह सेम व्हाट्सअप को दोनों मोबाइल में कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोस्तों वो बात ही बार बार दोहराने के लिए नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप तो लाइक कर चुके होगे वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।